उधर खानका डोगरा में कार और वैन में तसादुम के बाद सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल से। मजहर इकबाल, इस वाकये के हवाले से बताइएगा मजीद। जी, ये खानका डोगरा से वैगन शेखपुरा जा रही थी कि सरदार सईदा के करीब फ्रंट सीट पर जायद अफराद बैठने की वजह से ड्राइवर वैगन पर काबू नहीं रख सका, जिससे वैगन सामने आने वाली कार से टकरा गई और वैगन में लगे एलपीजी सिलेंडर में धमाका होने से आग की कार और वैगन को अपनी चपेट में ले लिया। मुकामी लोगों ने जख्मी अफराद को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से 12 शदीद जख्मियों को तश्वीशनाक सूरत हाल में लाहौर रेफर कर दिया गया। वैगन में सवार एक जख्मी के मुताबिक वैगन में 22 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ चंद अफराद को ही निकलने का मौका मिला है, जबकि अस्पताल जाए ने 4 अफराद के मौके पर जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जबकि हमारे पास 8 अफराद के जाँ बहक होने की खबर है। सारे शहर में बताता जाऊँ की शहर में शोर का समय है और शहरियों ने फ्रंट सीट पर 3 सवारियां बैठाने पर ट्रैफिक पुलिस और एलपीजी की खुलेआम सेल पर जिली इंतजामिया की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मजहर इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे।